देखिए बाबा जी, ये जो आपने जो मंदिर जो देखा है, ये मंदिर है 5,500 साल पूर्वी काल का मंदिर है। ये मंदिर पांच और पांडव ने बनवाया है। इस मंदिर को 3 गेट है, एक है मंदिर के दक्षिण में, एक है उत्तर में, एक है पश्चिम में। वो पश्चिम वाला मेन गेट इसी सन 1212 में यानी 750 साल पहले ये मंदिर के पीछे था पूरब में, जो श्री संत शिरोमणि भगत नामदेव जी पंडरपुर से यहाँ पर लंगे पैर आए थे अपना गुरु कीर्तन जानकारी साक्षी सुनाने के लिए। तब मंदिर के चढ़ते पास से बैठ के वो अपना गुरु कीर्तन जानकारी साक्षी सुना रहे थे। तो उस टाइम यहाँ पर महाशिवरात्रि का मेला चालू था, जो लाखों संगत दर्शन के लिए आई थी, तो नामदेव जी के पास रुक गई थी भजन कीर्तन सुनने के लिए। तब अंदर को कुछ पुजारी थे, पंडित थे, उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने नामदेव जी को पूरब से उठाया और मंदिर के पीछे पश्चिम में हकाला था। जब पश्चिम में जाके नामदेव जी ने भगवान को बोला था, भगवान जाते वक्त करना हो तो इंसान जाकर क्यों बनाया, तब मंदिर के पीछे जाके उन्होंने कीर्तन किया, जो जो नम्मा हरगुण उच्चरे भगत जना को देवरा फिरे। ऐसा कीर्तन करने बाद पूरा कद्वार ये घूमकर पश्चिम में चला गया है, पूरा मंदिर घुमा हुआ है। आप बोलोगे इतना बड़ा स्टोन पत्थर का मंदिर है, ये कैसे घुमा होगा, कैसे नहीं घुमा, तो उसको कोई प्रूफ को निशान चाहिए। तो ऐसे देखोगे तो इसको 3 निशान है। इसके पहली निशानी जो शिव जी का जो कुंड रहता है सरोवर, वो हर मंदिर के सामने होता है। ये मंदिर घूम गया इसलिए मंदिर के बैक साइड है, मंदिर के पीछे। और इसकी दूसरी निशानी, ऐसे कौन सी भी मंदिर को जाओगे, मंदिर का मेन गेट देखो सारे के सारे पूरब में, ये मंदिर घुमा बोल के इसका पश्चिम में। और इस मंदिर की तीसरी निशानी, जब ये मंदिर घुमा था तो इस मंदिर ने नीचे से नींव छोड़ दी है, फाउंडेशन नहीं है। जैसा बंदा जमीन पे खड़ा रहता है वैसे इतना बड़ा स्टोन पत्थर का मंदिर जमीन पे खड़ा है। अभी आपने जितना मंदिर का जो व्हाइट वाला हिस्सा देखा है, ये औरंगजेब मुगल बादशाह मुसलमान इसने पूरा का पूरा डैमेज किया था, तोड़ दिया था। फिर वो इंदौर की महारानी अहिल्या देवी होलकर उन्होंने ऊपर को रिप्ले किया है, नया बनवाया है। और जितना भी जो स्टोन पत्थर दाए ये पांडव काली ने पांडव ने बनवाया हुआ, वो ऊपर लाओ 350 साल पुराना है, और पत्थर दा 5,500 साल पुराना है, यानी 5,500 साल पुराना। ऐसी मंदिर की ऐतिहासिक कहानी एक बार बोलो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की।